उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बालापचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया। दरअसल शानू शर्मा की हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा करते हुए कार्रवाई की गई। वहीं बालापचारी ने पूछताछ के दौरान बताया कि उसने शानू शर्मा को 500 रुपए और एक गैस सिलेंडर दिया था। जब वह उससे अपने पैसे मांगता था तो वह उससे लड़ाई करती थी और एक दिन थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे गुस्सा होकर उसका गला घोट दिया। बुलंदशहर से उदय यादव की रिपोर्ट। बालापचारी पकड़ा गया, उसने बताया कि उससे कुछ 500-700 रुपये ले रखे थे और जब वो पैसा मांगता था उसको डांट के भगा देती थी, मारती थी। रात में उसको इस बात से बड़ा आक्रोश हुआ कि पैसा हमसे लिए है, हमको थप्पड़ भी मारती है, लेकिन बात ही अक्सर दूसरे लोगों से करती है। इसी आक्रोश में रात को जब ये सो जाती है, पीछे से छत के चढ़ जाता है और सिर्फ और उनकी ईंट से वार करता है उससे।